हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 6 मार्क्स लूटने हैं। ठीक है, तो प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। इस क्वेश्चन को, 6 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए देर आर 3 स्टेप्स। पहले तो आप रीड करोगे, प्लान करोगे, देन एग्जीक्यूट करोगे। रीडिंग के आपके पास 2 टेकअवेज हैं। क्या पूछा गया आपके पास? एफ इज इनवर्टेबल, ये शो करना है, और हिंस के 2 पार्ट हैं। अब हम एक प्लानिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। प्लानिंग में हमें पता है कि इनवर्टेबिलिटी कैसे प्रूफ करी जाती है। इनवर्टेबिलिटी प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप बाइजेक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हो, और बाइजेक्शन में आप इंजेक्टिविटी दैट मीन्स वन वन और सर्जेक्टिव दैट मीन्स ऑन टू आप सेपरेटली प्रूफ करते हो। इंजेक्टिविटी अपना प्रूफ करने का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था। खैर, हमें यहाँ पे क्या करना है, चूंकि हमें हमारे पास एफ इनवर्स दे रखा है, और एफ इनवर्स अगर दे रखा है तो हमें कंपोजिशन मेथड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हम बाइजेक्शन के थ्रू नहीं जा पाएंगे, ये रास्ता हमारे लिए ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो कंपोजिशन के थ्रू अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे करना है? ये 4 स्टेप में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पहला स्टेप होता है एफ इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो, अगर दिया गया एफ इनवर्स तो अच्छी बात है हमारे लिए, वो टाइम हमें बच गया। देन आप डिफाइन करते हो एक जी फंक्शन, ना प्रोसीड करते हो, वेरीफाई करते हो कंपोजिशन एफ और जी का कि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद आप जो भी आपने वेरिफिकेशन किया उसे कंक्लूड करते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट को। लेट ए फंक्शन जी विच इज डिफाइंड फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स को डोमेन ऑफ एफ टू डोमेन ऑफ एफ दैट मीन्स आर प्लस, सच दैट या बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन गिवेन बाई जी वाई इक्वल्स टू, जो भी आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एफ इनवर्स दिया गया है वो लिखोगे, y+6 -1 होल अपॉन 3। नाउ स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, एक ही तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉमन है, वो आप फॉलो करिए। कितने लोग स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट, एन आर्बिट्री एलिमेंट, एन आर्बिट्री एलिमेंट वाई। कहाँ से लेंगे हम लोग ये हम लोग क्या प्रूफ वाले हैं उससे पता चलता है। तो चूंकि हमें पहले वेरीफाई करना है फॉग, और अगर फॉग वेरीफाई करना है, अगर हमें फॉग वेरीफाई करना है तो जाहिर सी बात है कि जो डोमेन होगी वो इनर फंक्शन जी की डोमेन होगी। तो जी के डोमेन से लेना है। जी का डोमेन मतलब एफ का को डोमेन, और एफ के को डोमेन से जब भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो वाई लेंगे, और एफ के डोमेन से जब कंसिडर करेंगे तो एक्स लेंगे। तो वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, दैट मीन्स -5 टू इन्फिनिटी। देन जो फॉग ऑफ वाई हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई, और एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या है कि जो एफ की डेफिनेशन है, जहाँ जहाँ एक्स रखा गया है वहाँ पे जी वाई रख दीजिए। तो एफ की डेफिनेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम जी वाई रख देंगे। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स GY स्क्वायर + 6 टाइम्स GY एंड -5। अब जी वाई की अपनी खुद की डेफिनेशन है, वो आप जी वाई की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो जी वाई आपका क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ तो फॉग वेरीफाई करने के बाद अब मेरा आखिरी काम बचता है कि हम गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन वेरीफाई करें। इसके लिए गॉफ, चूंकि हमें गॉफ को वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब हमें एक स्टेटमेंट जो लिखना है वो प्रक्रिया जो है उसके थ्रू हम आएंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हमें एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा जो एफ की डोमेन में हो, और एफ की डोमेन में जब भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो वो एक्स लेते हैं। स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करोगे आप, स्टेटमेंट जो होगा
लिखोगे कंसीडर एन आर्बिटरी एलिमेंट एक्स जो किसके डोमेन से, एफ की डोमेन से है, देन आप लिखोगे जो गॉफ हो जाएगा दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी की डेफिनेशन में जहाँ भी आपके पास वाई है वहाँ आप एफ एक्स प्लेस कर दीजिए। तो जी की डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस सिक्स, दैट मीन्स एफ एक्स प्लस सिक्स माइनस वन होल अपॉन थ्री। तो अब एफ एक्स की भी अपनी डेफिनेशन है, एफ एक्स की वैल्यू प्लेस करिए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, दैट इज नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। ये तो एफ एक्स है लेकिन प्लस का सिक्स ये जी के डेफिनेशन से आया हुआ है, माइनस वन होल अपॉन, घबराना नहीं है, आप आराम से हर स्टेप को लिखिए, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे लेकिन आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन होल अपॉन थ्री। अच्छा, बोर्ड की अच्छी बात है कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन भी रिपीट करेगा, तो आप प्री प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन करे हो, अच्छे क्वेश्चन सारे करे हो, एनसीईआरटी सॉल्व किए हो और आप ठीक है बोर्ड प्रीवियस ईयर किए हो, तो आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। जो आपके पास अंडर रूट में एक्सप्रेशन बची हुई है वो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस 1 होल अपॉन 3। लेकिन हमें पता होता है कि जो हमारा अंडर रूट x स्क्वायर है इसको हम x नहीं लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे मॉड x हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दैट मीन्स दैट कुड बी रिटेन एज ए मॉड ऑफ 3x प्लस 1 माइनस वन होल अपॉन, सिंस यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हो कि 3x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब भाई पॉजिटिव को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो मॉड है वो प्लस साइन के साथ खुलेगा, ठीक है, प्लस साइन के साथ खुलेगा, इसका मतलब कि जो आपका मॉड है वो सिंपली रिमूव हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, देन आपके पास क्या बचा, 3x अपॉन 3, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो जो आपका गॉफ है, गॉफ ऑफ x, वो x आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया, ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। दिस शो दैट क्या हमने शो किया है कि जो फॉग है वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसकी वो किस सेट पे डिफाइंड है, जी के डोमेन पे, दैट मीन्स माइनस फाइव टू इन्फिनिटी। एंड जो गॉफ हमने वेरीफाई किया, गॉफ ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है लेकिन ये किस सेट पे डिफाइंड है, वो एफ की डोमेन पे है, आर प्लस, विच इम्प्लाइज दैट एफ इज इन्वर्टिबल। जो हमें टास्क दिया गया था प्रूव करने के लिए, विथ किसके साथ इन्वर्टेबल है, जी के साथ, मतलब जी एफ के साथ इन्वर्टेबल है और एफ जी के साथ है, दैट मीन्स जी क्या था, जो गिवन एफ इनवर्स था, गिवन एफ इनवर्स, तो ये इन्वर्टिबिलिटी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं हेंस पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि एफ इनवर्स 10 की वैल्यू बताइए, मतलब f इनवर्स तो एक फंक्शन है और उस फंक्शन के वेरिएबल की प्लेस पे हमें 10 प्लेस करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी गई है, तो f इनवर्स y दिया गया है, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। तो यहाँ पे जहाँ भी y रखा गया है वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे 10, तो 10 प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 का आपका
फोर आ जाएगा, और फोर माइनस वन थ्री, और थ्री बाई थ्री वन आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका हिंस का पहला पार्ट है उसका आंसर आपका वन आ गया, दैट इज वन ऑफ द आंसर। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया है कि हमें वाई फाइंड आउट करना है सच दैट, वाई फाइंड आउट करना है सच दैट कि जो एफ इनवर्स वाई है ये आपका फोर बाई थ्री है। तो हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है कि जो एफ इनवर्स वाई है दैट इज इक्वल्स टू फोर बाई थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो y हो जाएगा वो f ऑफ 4 बाई थ्री हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर हमारे पास सपोज ये सेट x है और ये सेट y है, तो अगर यहाँ पे कोई y एलिमेंट है, ठीक है, जिसे f इनवर्स x के किसी एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो f होगा वो उसका x किसको मैप करेगा, y को मैप करेगा, है ना। तो y अंडर इमेज f x की इमेज जो हो जाएगी y हो जाएगी, दैट मीन्स ये आपका y इक्वल्स टू आप f ऑफ x लिख सकते हो। अब हमें पता है कि जो f x की डेफिनेशन है उसमें हम x की प्लेस पे क्या प्लेस कर दें, 4 बाई थ्री। तो ये हो जाएगा आपका 4 बाई थ्री का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 4 बाई थ्री और माइनस 5 है। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 बचेगा और ये आपका 8 बचेगा माइनस 5। दैट मींस ये कितना आ गया, y की वैल्यू आपकी आ गई 19, दैट इज योर आंसर। तो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सलीके से किया है, स्टेटमेंट कैसे लिखने होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपने देखा। थैंक यू।